आश्रम में कोई भी प्राणी है सबको आश्रय मिले, आश्रय के साथ साथ विश्राम मिले। ये विश्राम कहाँ मिलता है? गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस की रचना करने के उपरांत कहते हैं, पायो परम विश्राम राम समान दूजो नाई कहो। भागवत चरित्र सुनने से और तद अनुसार आचरण करने से विश्राम मिलता है। हनुमान जी महाराज सीता शोध के लिए गए थे, 3 दिन से लगातार सीता शोध के कार्य में लगे हुए थे। राम काज कीने बिन मोहि कहां विश्राम। भगवती सीता का दर्शन तो नहीं हुआ, परंतु भगवान के भक्त और भक्तों में भी ऐसे भक्त जिसके लिए भगवान स्वयं कहते हैं, तुम सारी थे संत प्रिय मोरे धरऊं देह नहीं आनी हो। विभीषण जैसे संतों के लिए भगवान का भूमंडल पे आगमन होता है। विभीषण में ऐसी कौन सी विशेषता है जिसके कारण भगवान भूमंडल पे अवतरित होते हैं? सील गहन सबकी सहन कहन मुखन हिय राम तुलसी रहिए ये रहनी संत जनन को काम। बेराग संदीपनी में गोस्वामी तुलसीदास जी संतों का लक्षण बताते हुए कहते हैं, संतों में शालीनता होती है, सील गहन, बूंद अगाध सही गिरते से खल के वचन संत सहजे से। दुष्टों के वचन को संत उसी प्रकार सहन कर लेते हैं जिस प्रकार से वर्षा की बूंद चट्टान पे पड़ती है, चट्टान उसका शोषण नहीं करती, ऊपर से या तो बह के निकल जाती है अथवा सूख जाती है, उसके अंदर प्रवेश नहीं करती। इसी प्रकार से दुष्टों के जो वचन है, दुष्टों का जो व्यवहार है, दुर्व्यवहार, संत जन उसको अपने अंदर स्थान नहीं देते, अपने हृदय में स्थान नहीं देते। गंदगी बाहर पड़ी है, पड़ी रहने दो, उसको उठा के हृदय में रखने की जरूरत नहीं है। तो इस प्रकार की जो इनमें शालीनता है, उसके साथ साथ कहन मुखन हिय राम, हृदय से और मुख से भगवत नाम सुमरण करते हैं। जप करना एक अलग बात है, सुमरण करना एक अलग बात है। सुमरण में हृदय से सुमरण किया जाता है, राम नाम शिव सुमरण लाल। हनुमान जी महाराज ने देखा कि विभीषण उठे हैं प्रातः काल, राम राम ते ही सुमरण की ना। ये सुमरण वाली जो स्थिति है, सुमरण की गति यूं करे जो नागर मन गागर में हाले डोले सब करे मन राखे गागर। हृदय से सुमरण होता है। हम संसार के सभी कार्य करते रहे हैं, परंतु हमारा मन जो है परमात्मा का सुमरण करता रहे, परमात्मा के साथ जुड़ा रहे। गोस्वामी तुलसीदास जी संतों के लक्षण में बता रहे हैं, शील गहन सबकी सहन कहन मुखन हिय राम, हृदय से और मुख से भगवत नाम सुमरण करते रहते, तुलसी रहिए ये रहनी। इस प्रकार की जो रहनी रह रहे हैं उनको संत कहा जाता है। ऐसे संतों के लिए विभीषण जैसे संतों के लिए भगवान का भूमंडल पे अवतरण होता है। रावण ने भरी सभा में पद प्रहार किया, मुकुट को ठुकरा दिया, और विभीषण कहते हैं, तुम पितु सरिस भले मोहि मारा राम भजे हित नाथ तुम्हारा। तुमने भले ही मेरे को पिता के सदृश मारा है, फिर भी मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप भगवान का भजन करें। विभीषण वहां से लंका से तिरस्कृत होके
भगवान की शरण में जा रहे हैं, उनके मन में वो बात बिल्कुल नहीं है। हम सबका कोई अपमान कर देता है, हम उसको लंबे समय तक याद करते रहते हैं, उसको हम भूलते नहीं है, परंतु विभीषण भगवान की शरण में जा रहे हैं। और देखूं जाई चरण जल जाता, शीतल सुभग भगत सुजाता, भगवान के चरण कमल का ध्यान करते हुए चले जा रहे हैं। तो ऐसे जो संत हैं उनके लिए भगवान का अवतरण होता है। तो ऐसे संत जब हनुमान जी महाराज को मिलते हैं और हनुमान जी भगवत भागवत चर्चा करते हैं, राम कथा कहते हैं, विभीषण को राम कथा सुनाते हैं, और वहाँ भी पायो परम विश्राम, वहाँ भी विश्राम मिला। तो विश्राम कहाँ मिलता है? जब हम भगवान के साथ जुड़ जाते हैं, हमारी चित्तवृत्ति जो है परमात्मा के साथ जुड़ जाती है, तभी हमको विश्राम मिलता है। तो आश्रम में विश्राम मिलना चाहिए। आश्रम परम पुनीत सुहावा, देख देव ऋषि मन अति भाव। आश्रम में जब कोई पहुंचे तो उसके हृदय में सहज ही वैराग्य हो, सहज ही संसार के जो आकर्षण है वो तो छूट जाए, टूट जाए, परमात्मा के प्रति विशेष अनुरक्ति हो जाए, विशेष अनुराग पैदा हो जाए। तो आश्रम में आप सब एकत्रित होते हैं, समय समय पर होते हैं, अच्छी बात है, भगवान की कृपा से आश्रम बना है। वैसे तो भवन और आश्रम दोनों में कोई विशेष अंतर नहीं है, परंतु भवन में हम अपने परिचित आगंतुकों को ही स्थान दे सकते हैं, और आश्रम जो है सम्यक अध्यागतों के लिए, जो अध्यागत अतिथि हैं जिनका हमारे से कोई परिचय नहीं है, उनको भी आश्रय मिले। अगर उनको आश्रय नहीं मिलता, ऐसे तो अतिथि निराश होकर अगर गृहस्थ के यहां से भी चला जाता है तो उसका पुण्य साथ में ले जाता है। यमराज के यहां नचिकेता गया है, यमराज कहीं बाहर गए हुए हैं, नचिकेता 3 दिन तक इंतजार किया। जब वो यमराज पधारे तो उनकी पत्नी ने कहा अपने यहां अतिथि आए, 3 दिन को 3 दिन से आपका इंतजार कर रहे, उनको आप संतुष्ट कीजिए, अन्यथा अतिथि की जो अवमानना है, अतिथि का जो अपमान है, अतिथि का जो सम्मान नहीं किया गया है, वो हमारे पुण्यों को नष्ट कर देगा। यमराज के यहाँ, धर्मराज के यहाँ। तो ये आश्रम में कोई भी अतिथि आए, कोई भी अभ्यागत आए, उसको सम्मान मिलना चाहिए। कहा जाता है सज्जनों के यहाँ अगर किसी भी प्रकार से स्वागत सत्कार में कोई व्यवस्था नहीं है तो तृण का आसन तो दिया जा सकता है, घास का आसन तो दिया जा सकता है, उस आसन के साथ साथ मधुर वाणी से उसका स्वागत तो किया जा सकता है। आइए विराजी, मधुर वचन से उसको आदर सम्मान देते हुए उसका स्वागत कर लेना ही उसकी सेवा हो जाती है। फिर परमात्मा की कृपा हो तो जिस भी प्रकार से हम भोजन ग्रहण करते हैं उसी प्रकार का भोजन उसको भी कराएं, और अगर संभव हो तो कुछ विशिष्ट उससे विशेष, जैसा हम करते हैं उससे विशेष वो भी हो। तो आश्रम बहुत अच्छा है, भगवान की कृपा से बना है, और आप सबका आश्रम किसी व्यक्ति का नहीं है, आश्रम जो है भगवान का है, हमारे आचार्य श्री भगवान स्वामी रामानंदाचार्य जी का है।
और बस उन आचार्य श्री के प्रति अपनी श्रद्धा रखते हुए आश्रम के प्रति जो हम जैसे किसी व्यक्ति की हम सेवा करते हैं तो व्यक्ति के अंदर छिपे हुए चेतन की हम सेवा कर रहे हैं, परंतु उस चेतन को तो हम नहीं देख सकते, हम तो उसके हार्ड मांस को देखते हैं। इसी प्रकार से आश्रम परिसर को ही हम देखते हैं, आश्रम के भवन को ही हम देखते हैं, आश्रम में प्रतिष्ठित भगवान का जो विग्रह है उसको हम देखते हैं, उसकी सेवा ही आश्रम की सेवा हो जाती है। और ये आचार्य श्री भगवान स्वामी रामानंद आचार्य जी महाराज जो हिंदू धर्म उद्धारक है, जिनकी कृपा से हिंदू सनातन धर्म सुरक्षित रह सका, अन्यथा इस्लाम मजहब के अनुयायियों ने हिंदुओं पे अनेक प्रकार के जुल्म, अनेक प्रकार के अत्याचार ढाए थे। 12 इस प्रकार की बातें कही थी, आज भी कुरान में 12 आयतें ऐसी हैं, भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने उसके विषय में स्वीकार किया है कि ये जो आयतें हैं इनके कारण आतंकवाद फैलता है, इनके कारण समाज में संघर्ष होते हैं। तो भगवान स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज ने हिंदू सनातन धर्म की रक्षा की। हिंदू सनातन धर्म कोई भी कार्य करता है, हम सब परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, ओम ध्यो शांति, रंत्रिक शांति, पृथ्वी शांति, रापह शांति। हम भगवान का जो दिव्य धाम है उसमें शांति, जो अमृत लोक है उसमें शांति हो, अंतरिक्ष में शांति हो। आज क्या होता है, सूर्य के अंदर जो हलचल होती है उसका असर पूरे वायुमंडल पे होता है, सरिताओं पे होता है, वृक्ष वनस्पतियों पे होता है, हम सबके मन बुद्धि पे होता है। ज्योतिष में कहते हैं सूर्य इस प्रकार से चल रहा है, इस राशि पे है, ऐसे इस प्रकार के ग्रह उसके साथ जुड़े हुए हैं, देख रहे हैं, और उनका असर संपूर्ण व्यक्तियों पे, संपूर्ण जो सूर्य के इर्द गिर्द घूमने वाले ग्रह हैं जैसे पृथ्वी और अन्य जो ग्रह हैं उन पे होता है। सूर्य से जहाँ जहाँ ऊर्जा पहुँच रही है, ऊर्जा मिल रही है, उन सब पे उसका असर होता है। तो कहने का मतलब ये है, वृक्ष वनस्पतियों पे होता है, हम सबके मन बुद्धि पे होता है। ज्योतिष में कहते हैं सूर्य इस प्रकार से चल रहा है, इस राशि पे है, ऐसे इस प्रकार के ग्रह उसके साथ जुड़े हुए हैं, देख रहे हैं, और उनका असर संपूर्ण व्यक्तियों पे, संपूर्ण जो सूर्य के इर्द गिर्द घूमने वाले ग्रह हैं जैसे पृथ्वी और अन्य जो ग्रह हैं उन पे होता है। सूर्य से जहाँ जहाँ ऊर्जा पहुँच रही है, ऊर्जा मिल रही है, उन सब पे उसका असर होता है। तो कहने का मतलब ये है कि हिंदू सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है जो सार्वभौम अस्तित्व की शांति में विश्वास करता है, पृथ्वी पे शांति की बात करता है, और यथासंभव कोशिश होती है कि हम सब अपने आचरण से, अपने व्यवहार वर्तन से शांति बनाए रखें, और अगर शांति नहीं है प्रशांतश्च कुतो सुखम। प्रवीण भाई खड़े हुए हैं, हमको बोलने की इजाजत नहीं दे रहे हैं, उनके साथ साथ समय भी हमको इजाजत नहीं दे रहा है। अगर समय की हम अवहेलना करते हैं फिर समय हमारी उपेक्षा करता है, इसलिए समय को सम्मान देना चाहिए। और बस आप सब सब प्रेम से रहें, प्रेम और सौहार्द का भाव सदा बनाए रखें, और कभी किसी कारण बस मनमुटाव हो जाता है, कोई कारण बन जाते हैं, उन कारणों से जो भी जैसे पानी में लकीर पड़ती है तो कितनी देर के लिए पानी पे एक लाठी मारो, उससे पानी दो भाग में टूटता हुआ दिखाई देता है, परंतु दो भाग होते नहीं है, कभी नहीं होते हैं उसके। इसी प्रकार से
कभी मतभेद हो जाए, मनभेद हो जाए, ऐसी परिस्थितियों में भी टूटने की जरूरत नहीं है। कहते हैं कि चार बर्तन रहते हैं तो खटकते तो रहते हैं, परंतु टूटने नहीं चाहिए बर्तन। खटके वहां तक चलेगा, टूटे हाँ। तो इन सब बातों पे विचार करें, अच्छी बात है। सभी के लिए कहा जा रहा है, किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं कहा जा रहा है। जो यहाँ उपस्थित हैं उनके लिए भी, और जो भी रामानंद संप्रदाय से जुड़े हुए हैं, आचार्य श्री की विचारधारा से जुड़े हुए हैं, उन सबके लिए जय श्री राम। शिष्य गुरुदेव भगवान की जय।